हमने एक दफा इस मुल्क की तारीख में अदम एतम के थ्रू एक वजीर आजम को घर भेजा कौन सी आइन कौन सी जमहूरियत कौन सी रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ये फैसले दिए जा रहे हैं आप दो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन पे मैं बात करना चाहूंगा एक फिफ्टी एट टू बी और दूसरा सिक्सटी थ्री ए जहां तक 58 एट टू बी है आपको मालूम है कि ऐसा आइन में एक हथियार था जिसको इस्तेमाल किया गया और जमुरी हुकूमतों को घर बेचा गया गैर जमुरी तरीके से और इसका भी इसके खिलाफ भी एक के बहुत लंबा जुदोजहद रहा और आखिरकार हमने इस काला कानून को आईन से हटा दिया अफसोस के साथ कि वही फिफ्टी एट टू बी का पावर अदालत ने अपने पास रख लिया और आपने देखा किस तरीके से कि चाह वो यूसुफ रजा गलानी साहब हो चाह वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो जो अवाम का ताकत था जिसको हमने समझा फिफ्टी एट टू बी को हमने हटा के सदर से ले लिया वापस पार्लियमान को आवाम को दिलवा दिया अदालत ने वो ताकत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जब खान साहब के हुकूमत के खिलाफ हम तहरीक चला रहे थे तो हमारे एतहादियों में से हमारा पार्टी में से लोगों में से ये जरूर मुतालबा था कि फिला इशू पे कोर्ट जाए, फिला इशू पे पोर्ट जाए, फिला इशू पे आप कोर्ट जाए वहां से हम इसको निकाल सकेंगे मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ़ यही था कि हम अदालत के दरवाजे के थ्रू अदालत का ये फिफ्टी एट टू बी का इख्तियार के साथ इस घर नहीं बेचना चाहते हैं ना ही हम किसी गेट नंबर फोर पे खटखटा के उसको घर बेचना चाहते हैं हमारा मौकफ यह था कि वहां देखने के बजाय यहां देखने के बजाय आप पार्लियमान पर जोर दे अदम अतमाद वाहिद जमूरी पार्लियमानी तरीका है पूरी दुनिया में कि आप किसी भी मुंतब वजीर आजम को अगर घर भेजना चाहे तो वो अवाम इलेक्शन में कर सकता है या उनके नुमाइंदे पार्लियमान के थ्रू करवा सकते हैं ना कोई जनरल ना कोई जज के पास इख्तियार है मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है आप सबने एक्सपीरियंस किया कि पाकिस्तान की तारीख में या किसी आमिर ने इस्तेमाल किया या किसी जज साहब ने इस्तेमाल किया हमने एक दफा इस मुल्क की तारीख में आदम एतम के थ्रू एक वजीर आजम को घर भेजा उससे पहले जब अठारहवीं तरमीम कर रहे थे तो हमने सिक्सटी थ्री ए का डेफिनेशन में इजाफा इसलिए किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये जोर तोर की सियासत होता था कभी आईजीआई की शकल में कभी पैरासाइट्स की शकल पेट्रिय की शक्ल में कभी किसी ने किसी शकल में ये हमारे तो ये कंसेंसस जब बना कि फ्लोर क्रॉसिंग को कॉम्बैट करने के लिए आप पार्लियामेंट के मेंबर्स को पार्टी लाइन तय करने का हदायत पाबंद होंगे अगर वो फैसला करते हैं कि पार्लियामानी लाइन कि किसी भी वजह से कि वो पार्लियामान पार्टी लाइन के खिलाफ जाना चाहते हैं तो फिर उनको वो वोट इस्तेमाल करते हैं काउंट किया जाता है और फिर उनको बाय इलेक्शन लड़ना पड़ता है अवाम से उन अवाम जिन्होंने उस पार्टी के निशान पे उनका मुंतखब किया उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या मेरा वोट सही था या गलत था उस तरीके से हमने फ्लो क्रॉसिंग के लिए एक पाबंदी भी लगाया और पार्लियमान में वोट की ताकत को और पार्लियमान की पार्लियामेंटेरियंस की आजादी भी रखा था। ना कम बैक अदालत ने फैसला क्या किया 63 थ्री ए का जब फैसला किया जा रहा था आप में से कोई मुझे बताए कि क्या किसी ने आईन पढ़ा? जब 63 थ्री ए का फैसला लिखा जा रहा था क्या किसी ने कोई वो आईन पढ़ा या कोई किसी ने ये सोचा कितना बड़ा हम आ, फैसले सुनाने जा रहे हैं किसी से पूछ ले जिसने वो आइन लिखा कि क्या आपका मतलब था जब आप पढ़ते हो 63 ए को इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कोई कंफ्यूजन है कि होना क्या है या हो, नहीं, नहीं, क्या नहीं होना है अदालत ने ये ख, इख्तियार अपने पास ले लिया कि आइन में तरमीम वो कर सकते हैं हम नहीं और इन्होंने 63 ए के फैसले में आईन का तरमीम करवाया कि जो आपने लिखा वो नहीं अब हमारा मर्जी और मर्जी क्या था मर्जी ये था कि पीटीएम का पंजाब हुकूमत ना बने मर्जी ये था कि पीटीएम का पंजाब हुकूमत नहीं होगा तो इलेक्शन में असर होगा खासतौर पे सुबह पंजाब में और जैसे आप सबको पता है पंजाब के अपनी एक और वो फैसला क्या था फैसला ये था कि आप वोट पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं दे सकते देते हो तो गिना नहीं जाएगा देते हो गिना नहीं जाएगा फिर भी करते हो तो ना अहल किया जाएगा बताएं मुझे कौन सी आईन कौन सी जमहूरियत कौन सी रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ये फैसले दिए जा रहे हैं अब आप हमें कहें कि आईनी अदालत नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप अपना थर्टीन जजेस की वेकेंसी सिंध हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहा क्यों नहीं सियासतदानों की वजह से या इसलिए हमारा ब्रदर जजेस जो है वो एक दूसरे से हाथ मिलाने काफी देर से नहीं हाथ मिला रहे हैं बात पफपूर की बात है यह ना सिर्फ आपकी अदालत का मसला है कितने वैकेंसीज है लाहौर कोर्ट में 24 अब अब एक और बेंच बना लें वो बेंच वैसे ही चलेगा जैसे बाकी बेंचेस चल रहे हैं आप एक और बेंच बना लें आप कह रहा इजाफा कर रहे हो जिसका सौ बिस्मिला में चाहता हूं मैं रोजगार देना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि हर बेंच में इजाफा करे लेकिन भरेंगे कैसे आईनी तरमीम के बगैर इसलिए इस वक्त जो है जजेस कहते हैं कि उनकी मर्जी आपने जो उन्नीसवी तरमीम के मुताबिक तरमीम किया, उसके मुताबिक भी नहीं चलेगा हमारा रूल्स और मुताबिक हमारा रूल्स के मुताबिक आप जुडिशरी में अपॉइंटमेंट करेंगे और रूल्स क्या कहते हैं जुडिशरी इज ऑफ द जुडिशरी फॉर द जुडिशरी एंड बाई दुडिशरी